हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंजीनियरिंग ग्रुप में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बेसिक रीजन ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स, मीन्स कि बिल्डिंग कोलैप्स क्यों हो रही है। मेनली कुछ केसेस हुए थे नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह में, तो स्टूडेंट्स ने काफ़ी क्वेश्चंस किए कि क्यों, क्या बेसिक रीजन है उनके ऊपर क्यों कोलैप्स हो रही है। तो और इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि फाउंडेशन फेलियर का, कि फाउंडेशन कैसे फेलियर हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बने रही है लास्ट तक हमारे इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगर अभी हम आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड बटन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं बेसिक रीजन ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स और फाउंडेशन फेलियर के क्या है। तो फ्रेंड्स, पहला पॉइंट है लो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल। लो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सोयल क्या होती है? ये लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है ऑफ सोयल की, कि हम कितने मीटर स्क्वायर एरिया में या कितने एमएम स्क्वायर, मतलब कितने एरिया में कितना लोड बियर कर रही है हमारी सोयल, कि वो गुड है या नहीं है। इसको हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, हम टेस्ट कराते नहीं है। जो मेनली छोटे कॉन्ट्रेक्टर वो टेस्ट वगैरह कराते नहीं और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बिल्डिंग मेजर कारण है, ये मेजर एक बहुत बड़ा इशू है कि जिससे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाते हैं। सेकंड थिंग की बात करें, हम पुअर कंस्ट्रक्शन, पुअर कंस्ट्रक्शन में जैसे हम पुअर बेकार क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं, हमारे पास अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो वो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है। जैसे कि ग्रेटर नोएडा और नोएडा वगैरह में जो बिल्डिंग्स कोलैप्स होने के कारण यही था कि पुअर कंस्ट्रक्शन, मतलब हमारे पास अच्छा मटेरियल यूज ही नहीं कर रहे हैं वो लोग, घटिया क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है, जिससे फाउंडेशन में फेलियर होना शुरू हो जाता है। जिससे फाउंडेशन फेलियर होने का मतलब बिल्डिंग कोलैप्स होना, फाउंडेशन अगर फेलियर हो गया तो हो ही गया पूरा बिल्डिंग कोलैप्स। अगली बात करते हैं इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन। ये बहुत बहुत तगड़ा थिंक है और बहुत तगड़ा पॉइंट है, इसकी बात कर लेते हैं। इम्प्रॉपर कॉम्पैक्शन, जब हम फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका पूरा अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं करते हैं कभी कभी। और अगर हम अच्छे से कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे और उसके ऊपर हमने फाउंडेशन स्टार्ट कर दिया, तो एक टाइम में ये होता है कि हमारा सोयल जो है उसके ग्रेन्स फिर पास आने लगते हैं, पास आने लगेंगे तो उसमें क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, और क्रैक्स डेवलप होते ही उसमें बिल्डिंग के कोलैप्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ग्राउंड वाइब्रेशन, ग्राउंड वाइब्रेशन का इशूज, जैसे आज के टाइम में मेट्रो सिटी की बात करें तो मेट्रो या अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो गया है, जिसके जब वाइब्रेशन बहुत ज्यादा हाई क्रिएट हो जाता है। अगर हम अच्छे से फाउंडेशन नहीं देंगे, प्रॉपर डेप्थ तक फाउंडेशन नहीं देंगे, तो वो वाइब्रेशन हमारे बिल्डिंग्स को कोलैप्स कर सकता है। अगली बात कर लेते हैं प्लम्बिंग इशूज। प्लम्बिंग इशूज, जब हम वाटर सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं घरों में, हमारा क्या होता है, कभी कभी वाटर लीकेज होना शुरू हो जाता है, बट हम उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते और उसको इग्नोर मारते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो रिएक्ट कर जाता है सीमेंट के साथ, उसका हाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है, अगर प्रॉपर उसका पहले हाइड्रेशन नहीं हुआ होगा। और हाइड्रेशन स्टार्ट होने पे वो सीमेंट और वो ब्रिक को खराब करना शुरू हो जाता है, जिससे बिल्डिंग कोलैप्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर सिक्स की बात कर लेते हैं इम्प्रॉपर डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर हम टेस्ट करे होते हैं, अगर हमारे सोयल के अच्छे प्रॉपर टेस्ट किए हुए हों, तो हमें पता चल जाता है कि हमें किस डेप्थ तक डिजाइनिंग से किस डेप्थ तक हमें फाउंडेशन देनी होती है। लेकिन क्या करते हैं, जो मेनली ये छोटे कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये टेस्ट तो कराते नहीं, सोयल के टेस्ट नहीं हुआ सोयल का, तो फाउंडेशन दे देते हैं, और जिसकी वजह से हमें बियरिंग कैपेसिटी नहीं पता चलती और बट डेप्थ हम ऐसे ही दे देते हैं, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा बिल्डिंग कोलैप्स हो जाता है। अगर हम उसमें क्या होता है, कभी कभी शैलो फाउंडेशन या पाइल फाउंडेशन या डीप फाउंडेशन देना, ये सब हमारे सोयल के टेस्ट के बाद ही पता चल रहा है। अगली बात कर लेते हैं ट्री रूट्स। ट्री रूट्स को काफी आसान लोग कभी काफी छोटा इशू समझते हैं, लेकिन काफी बड़ा इशू है डेप्थ। जब ये हमारे रूट्स होते हैं, ये रूट्स क्या होते हैं, वॉल्स में जाते रहते हैं, ये वॉल को डायरेक्ट नहीं गिरा सकते, लेकिन क्या होता है, जब ये रूट्स इसके अंदर जाते हैं तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, गैप क्रिएट कर देते हैं। उस गैप में वो जैसे रेन वाटर आया, वो इसके अंदर एंट्री करने शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा कोलैप्स कर सकता है, इस पूरी वॉल को कोलैप्स कर सकता है, जिससे बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो सकती है। अगली बात करते थे इम्प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। इम्प्रॉपर ड्रेनेज, जब इम्प्रॉपर ड्रेनेज की बात करें, तो इसमें जो सीवेज वगैरह हमारा फ्लो होता है, तो वो सीवेज के अंदर जो सल्फर की क्वांटिटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है, और सल्फर जो होता है एक पॉइजन का वर्क करता है ब्रिक के और सोयल के लिए, वो सोयल के साथ रिएक्ट करके उनको खराब कर देता है और ब्रिक को खराब कर देता है, और ब्रिक वर्क को जो फाउंडेशन में किया हुआ होता है और सोयल को खराब करना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग कोलैप्स होने के चांस बहुत तेजी से इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लैक ऑफ स्किल लेवर। ये इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि बिकॉज वी आर द डेवलपिंग कंट्री, हम एक डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं,
तो थोड़ा यहाँ पे हमारे पास लेबर जो वो स्किल इतनी होती नहीं है, वो क्या करते हैं वो अपने मर्जी से, अगर कोई इंजीनियर वहाँ पे है भी या कोई सुपरविजन में है, वो उसके बावजूद भी वो लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं जिसकी वजह से ये क्रिएट्स हो जाते हैं। इम्प्रॉपर पुअर कंस्ट्रक्शन और लो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, इसकी वजह से ही मेनली मेन फंक्शंस या मेन बिल्डिंग्स के जो फंक्शंस हैं वो अच्छे से नहीं हो पाते पूरे कंप्लीट, और जिस वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बाय बाय, टाटा।